नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह नेगी। दोस्तों, आज आप देवभूमि यात्रा के इस भाग में देखेंगे उत्तराखंड के कोरदार शहर में हर साल होने वाली कोरदार ओपन भर्ती, जो कि अगस्त 2022 में होने जा रही है, के तहत आए अभ्यर्थी जो आजकल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अपना 100% देने के लिए मैदान पर अपना पसीना बहा रहे हैं।
की जय जय जय। और डेली जो हमारी रेपिटेशन होती है रोज अलग अलग, मतलब रेपिटेशन मारने के बाद कभी 5 किलोमीटर होता है, कभी 10 किलोमीटर, कभी 3-3 राउंड, 4-4 राउंड की, कभी 5 राउंड, अलग अलग उस हिसाब से। मतलब रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा ग्राउंड है, हम फील्ड में मतलब डेली अपना जो भी है पहले थोड़ा वो रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेचिंग लेते हैं, उसके बाद हमारा क्रंचेस चलता है, क्रंचेस, फिर पाँव की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज, शोल्डर, जो सिर जो भी है, मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइज चलती है। एक्सरसाइज में मतलब कई बहुत प्रकार की एक्सरसाइज हैं यहाँ, जैसे सिटअप्स हो गई, चिन अप हो गया, वो पुशअप हो गए, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, दंड बैठक हो गया, और बहुत सारी है, क्रंचेस वगैरह, मतलब ABC हो गया, फ्रॉग जंप, डक और डक वॉक हो गया। बोल पत्री विशाल लाल की जय। आज हम आ रखे केमिकल ग्राउंड में, तो हम आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब दौड़ मारने आते हैं, सबका अलग अलग रूटीन है। तो जैसे हमारा रूटीन है, हम सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठने के बाद वही थोड़ा पानी पी के फ्रेश व्रेश होने के बाद हम घर से निकलने के बाद यहाँ पे आते हैं, वार्म अप लेते हैं, थोड़ा वार्म अप 2-3 चक्कर। हमारा अपना ग्रुप है, ये ग्रुप देख रहे होंगे आप लोग, ये अंकित भाई, थोड़ा हमारे ग्रुप में एक अंकित भाई है 5-8 की टाइमिंग के साथ, और आज तो सेमवाल ने भी कमाल कर दिया। और शुरुआत में हम वार्म अप लेते हैं, वार्म अप के बाद आजकल हम डेली 4 चक्कर की टाइमिंग मार रहे हैं, तो मतलब हमारा वर्कआउट यही हो रहा है। आजकल सुबह भी 4 चक्कर की टाइमिंग और शाम को भी 4 चक्कर की टाइमिंग लग रही है डेली, तो इससे मतलब हमें ये रहेगा कि भर्ती में डर खत्म हो जाएगा हमारा 1600 मीटर का, और हम मतलब 4 चक्कर के लिए डरेंगे नहीं। हमारे यहाँ पर जितने भी ग्रुप है, सब भाई बहन भाई जितने भी हमारे 8-10 लौंडे हैं हमारे, वो सबको सब मतलब 5-30 के सब अंदर आते रहे। सबसे बढ़िया तो ये है, अरे एक अंकित भाई हमारे धावक, तो पहले उनकी 5-15 आती थी, आज उनकी 5-8 आई, इसमें भी हमें बहुत खुश हुआ। बद्री विशाल लाल की जय। की जय। 4:30 बजे 5 बजे तक ग्राउंड में पहुँचते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके हमें एक हमारे एक कोच साहब है जिनका नाम प्रकाश सिंह है, वो एक्स सर्विस रिटायर है फौज से ही, उसके बाद वो हमें यहाँ पे मतलब जो भी है करवाते हैं वर्कआउट वगैरह जो भी होते हैं हमारे, पहले सबसे पहले आके हमारी स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ जो जो होती है, उसके बाद जो वर्कआउट होते हैं अलग अलग, किलोमीटर पेस, 400 मीटर स्लो फास्ट जो भी वर्कआउट है, स्टडी पेस वगैरह, वो सब हम यहाँ पे करते हैं। सुबह 5:30 बजे आते हैं और सारे वर्कआउट का हमारे सर प्रकाश ने ये है, और जो एक्स आर्मी पर्सन है उन्होंने वो क्रॉस कंट्री भी खेल चुके हैं, और वो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उन्हें वो एक हफ्ते में ना हमें डेली रूटीन रहता है, मंडे को स्टडी पेस करेंगे, इसको इस दिन अलग वर्कआउट होगा, इस दिन अलग वर्कआउट होगा, एक दिन इस वो रिलैक्स भी करते। जय बद्री विशाल लाल की। मैं भी एक आर्मी एस्पिरेंट हूँ, आर्मी के हम जितने भी लड़के हैं यहाँ पे सब भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो उत्तराखंड के लोग ज़्यादा करके डिफेंस की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही इतने मेहनती होते हैं अपने भविष्य के प्रति कि हमें इस जगह जाना है, इतनी मेहनत करनी है, काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। और मैं ये सब तो ये नहीं जानते कौन किसने होगा, जो मेहनत करेगा वो उसको मंजिल मिलेगी, पर मैं आपके इस न्यूज़ के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ जो भी हमारी सरकार है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और उनको का कुछ नए नए जो नौकरियां हैं वो लाएं, और काफ़ी दिक्कतें आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो रहा है कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे वगैरह बच्चों को काफ़ी सपोर्ट करा जाए। दोस्तों आगे भी देवभूमि यात्रा से बने रहने के लिए आप देवभूमि यात्रा को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।